यस स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का ही क्लॉक घड़ी वाला पार्ट करेंगे और घड़ी में भी क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, मिरर एंड वाटर इमेजेस, दर्पण और पानी में प्रतिबिंब। तो घड़ी आपको गिवन होगा, इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में अक्सर। तो देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने क्लॉक बना रखी है, इस क्लॉक के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं पहले। इसमें तीन टाइप की सुइयां होती हैं, जिसको हम हैंड बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं घड़ी में। जो ये छोटे वाला हैंड होता है, ये होता है आवर का हैंड, मीन्स ये घंटे बताता है। एक बार डायल पे 12 घंटे तक डिनोट किए होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। जो थोड़ी सी लंबी और पतली जो इसका हैंड होता है, जो इसकी सुई होती है, ये वाला जो है मिनट बताता है। और जो एक तीसरी और पतली सुई इसके अंदर होती है, वो जो है सेकंड बताती है। तो हम जो अपने जो क्वेश्चन मुख्यतः आएंगे, वो क्वेश्चन मेनली आवर हैंड मीन्स जो घंटे बताने वाली सुई है वो, और मिनट हैंड, और जो सुई मिनट बताती है उस वो, इन दो पे मुख्यतः सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखिए हम क्या देखते हैं, इसमें जो घड़ी का डायल होता है, जो कंप्लीट ये डायल है, ये 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 60 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइनें खींची मिलेंगी आपको, तो 12 से 1 के बीच में 5 बराबर भाग हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बराबर भाग हो गए। इस प्रकार सारे 5-5 बराबर भाग बढ़ते हुए 12, 5, 60, तो 60 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। कोई भी पॉइंट लेंगे हम घड़ी पे, कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट पे जो बनने वाला कोण है, जो बनने वाला एंगल है, वो 360 डिग्री का होता है। क्योंकि यहाँ मान लीजिए यहाँ हमने कोई भी पॉइंट लिया है, ये पॉइंट यहाँ है, तो इसके ऊपर घूम के जब वापस सुई यहाँ पे आएगी, तो बनने वाला कोण कितना होगा, 360 डिग्री। एक जो पूरा चक्कर लगता है उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। अब क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो टाइम से रिलेटेड और एक एंगल कोण से रिलेटेड। टाइम से रिलेटेड मीन्स आपको टाइम दिया हुआ होगा और पूछेगा उसमें कि या तो उसका दर्पण की प्रतिबिंब बताओ या फिर उसका पानी में प्रतिबिंब बताओ। मीन्स उस टाइम अगर हम उसको घड़ी को अगर दर्पण प्रतिबिंब उसका देखें या पानी में प्रतिबिंब उसका देखें, हम मिरर इमेज देखें या वाटर इमेज देखें, तो घड़ी में क्या दिखाई देगा। और दूसरे प्रश्न बनते हैं इसपे कोण के, कि जो है ये दो सुइयां इतने बज के इतने मिनट पे कितना कोण बना रही है, इतना बज के इतने मिनट पे कितना कोण बना रही है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, बाद में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चंस को फटाफट 2 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले आप मेरा जो है जो यूट्यूब चैनल है विनोद पुनिया, वो सब्सक्राइब कर लें, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जैसे ही हम कोई नया वीडियो उसमें डालेंगे तो फौरन वो आपके नोटिफिकेशन पे आ जाएगा और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं, मैं फौरन उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। तो घड़ी की सुई हमने देखो फ्रेंड्स, हमेशा देखिए ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस दिशा में घड़ी की सुई आगे चलती है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मींस क्लॉक जिस घड़ी जिस दिशा में आगे चलेगी उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जो हमारी घड़ी है ये 60 मिनट में, यानी मिनट वाली सुई जो है ये 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी। देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे घड़ी की सुई है अपनी मिनट वाली, ये जब घूम के वापस यहीं आ जाएगी तभी तो 60 मिनट पूरे होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। तो ऐसे ये घूम के जब कंप्लीट सर्किल पूरा कर लेगी तो कितना डिग्री का, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक मिनट में जो मिनट हैंड इसका होता है, जो सुई इसकी मिनट बताती है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360/60। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 6 डिग्री। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया कि एक मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस प्रकार से यदि अपने को निकालना हो 5 मिनट में कितने का बनाएगा, तो हम फौरन निकाल सकते हैं 5 मिनट में कितने डिग्री बनाएगा, 5 × 6 = 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहां से देखिए 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है, 12 आवर्स में 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 घंटे में ये एक कंप्लीट राउंड पूरा कर लेती है।
तो 12 घंटे में ये कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 360 डिग्री। कौन से सुई की बात हो रही है अब की बार, घंटे वाली सुई की, मीन्स आवर हैंड की, जो हम आवर हैंड यूज में लेते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक आवर में कितना डिग्री एंगल बनाएगी, एक आवर में बनाएगी 360 अपॉन 12, 12 3 36, तो एक आवर में बनेगा 30 डिग्री। यहां भी हम देख सकते हैं कि 5 मिनट में जो है, जब यहां से लेके यहां तक चलेगी सुई तो ही 5 मिनट पूरे होंगे मिनट वाली सुई, और जब घंटे वाली सुई यहां से यहां तक चलेगी तो 1 घंटा कंप्लीट होगा। तो 5 मिनट में घंटे वाली सुई भी 30 डिग्री एंगल, और 1 घंटे में घंटे वाली, 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 डिग्री, और 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 60 मिनट में जो आवर वाला हैंड है, जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री। कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 30 डिग्री। 60 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम क्या देखेंगे, एक मिनट में जो घंटे वाली सुई है, जो आवर हैंड है अपना, वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 30 अपॉन 60, 1 अपॉन 2 डिग्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कितना डिग्री एंगल बन जाता है इसमें, 1 अपॉन 2 डिग्री, आधा डिग्री एंगल। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हैंड्स जो सुइयां होती हैं, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो पहले हम बात करेंगे, देखिए किसकी, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मीन्स वेन बोथ हैंड ओवरलैप ईच अदर, वेन बोथ हैंड्स ओवरलैप ईच अदर, कैसे होगा, मान लीजिए ये अपनी घड़ी है, जब घंटे वाली सुई भी यही हो और मिनट वाली सुई भी इसके ऊपर हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना। तो जब दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो देखिए क्या क्या होता है उसमें, उस टाइम जोन के बीच में एंगल जो थीटा होता है वो होता है 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। जो टाइम होता है बी, उन दोनों के बीच में जो टाइम होता है वो होता है 0 मिनट। टाइम कितना होता है, 0 मिनट, मीन्स उन दोनों के बीच का। सी पार्ट हम देखिए इसमें क्या देखते हैं, एक घंटे में जो सुइयां हैं वो एक बार मिलती हैं, हैंड्स मीट ईच अदर, मीट्स ईच अदर वन टाइम इन एवरी आवर। हर एक घंटे में हम देखेंगे कि जो सुइयां हैं वो हर एक घंटे में एक दूसरे को आके मिलती हैं। तो देखिए, अब जब सुइयां एक घंटे में एक बार आके मिलती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलनी चाहिए, 12 बार, लेकिन ये गलत है। 12 घंटे में सुइयां सिर्फ 11 बार ही मिलती हैं, मैं उसका आपको बाद में रीजन बताऊंगा। तो एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि 12 आवर्स में जो हैंड्स हैं, मीट्स ईच अदर 11 टाइम्स, जो सुइयां हैं वो 12 घंटे में सिर्फ 11 बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, मींस एक दूसरे को आके मिलती हैं। तो ये कब नहीं मिलती, तो ये कब नहीं मिलती, ये 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां कभी भी नहीं मिलती। ये आप इस चीज को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि क्या क्या करेंगे इसमें, 12 से 12 to 1 नेवर मीट्स। जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में कभी भी नहीं मिलती हैं, और अगर घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो यहां से एक करेक्टरिस्टिक्स और निकल के आता है कि 24 घंटे में 24 आवर्स में कितनी बार मिलेंगी, तो 24 आवर्स में 12 टाइम्स मिलेंगी। जो घड़ी की जो अपनी सुइयां होती हैं वो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 22 बार मिलेंगी। जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती हों, सेकंड इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में हों, व्हेन बोथ एंड हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, व्हेन
both hands are opposite to each other. एक दूसरे के साथ कैसे हो? विपरीत दिशा में हो, तो ये कंडीशन बनेगी उसकी, विपरीत दिशा में होंगे। तो देखिए, अब जब विपरीत दिशा में हो तो क्या क्या बनता है उसमें, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो जब भी घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी तो उनके बीच में एंगल कोण जो है वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। बी जो उनके बीच का जो टाइम होगा ना वो होगा अब की बार 30 मिनट। टाइम कितना होगा? 30 मिनट। आप देख सकते हैं यहां से जब 12 बजे पे सुई होगी तो इधर नीचे 6 बजे पे होगी, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 30 मिनट का अंतर है। तो उन दोनों के बीच में टाइम कितना होगा? 30 मिनट का। तो तीसरी सी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट में आती है। तो एक घंटे में सिर्फ एक बार ही अपोजिट में आएंगी। सो इन वन आवर हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर ओनली वन टाइम। एक घंटे में जो सुइयां होती हैं वो केवल एक बार ही एक दूसरे की विपरीत दिशा में आती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं इसमें कि 12 घंटे में 12 बार अपोजिट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 12 घंटे में जो सुइयां हैं वो 11 बार एक दूसरे के अपोजिट आती हैं। तो इन 12 आवर्स हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर हाउ मच टाइम? 11 टाइम्स। तो जो 12 घंटे में जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के साथ विपरीत स्थिति में कितनी बार आएंगी? 11 बार आएंगी केवल। तो इससे हम क्या देखते हैं कि 24 घंटे में सुइयां एक दूसरे के साथ विपरीत स्थिति में कितनी बार आएंगी? 22 बार आएंगी। 22 बार जो है सुइयां एक दूसरे के साथ में विपरीत होंगी। अब बात यह रही कि जब घंटे 12 होते हैं तो 11 बार ही विपरीत दिशा में क्यों आती हैं? एक बार कौन सी छुट्टी है? तो आप पाएंगे कि 6 से 7 बजे के बीच में कभी भी घड़ी की सुइयां अपोजिट एक दूसरे से नहीं होती। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 6 to 7, 6 से 7 के बीच में नेवर अपोजिट टू ईच अदर से 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती, मींस एक दूसरे की विपरीत स्थिति में कभी भी नहीं होती। यस, जो थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण पे हो, मींस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें व्हेन बोथ हैंड्स आर एट 90 डिग्री और यू कैन से परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों की दोनों सुइयां कैसी हो, दोनों की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हो या समकोण पे हो, तो उस कंडीशन में देखिए क्या क्या बनता है। टाइम कितना होगा आप वहां से देख सकते हैं, 15 मिनट। जो कोण है थीटा वो कितना होगा? 90 डिग्री। और हम देखिए इसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक घंटे में जो है सुइयां दो बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। सो इन वन आवर हैंड्स मेड 90 डिग्री एंगल 2 टाइम्स। एक घंटे में जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो दो बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक घंटे में दो बार 90 डिग्री का कोण कैसे बनाती हैं? जब ये 3 से 4 के बीच में मान लीजिए ये सुई होगी तो एक बार ये ऊपर की साइड में बनेगा और एक बार जब ये मिनट वाली सुई नीचे की साइड में आ जाएगी तो उस वक्त भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके हिसाब से तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन ये भी एक वैसे ही फैक्ट है कि 12 घंटे में सुइयां जो है वो सिर्फ 22 बार ही 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सो इन 12 आवर्स हैंड्स मेड 90 डिग्री एंगल हाउ मच टाइम? 22 टाइम्स विद ईच अदर। तो हम क्या देखते हैं कि 24 आवर्स में जो है घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी? 44 टाइम्स कैसा एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, समकोण बनाएंगी।
अच्छा अब बात आती है ये कि वो कोण कब नहीं बनता, तो हम इसमें पाएंगे कि 3 से 4 3 to 4 एंड 9 to 10 और 9 से 10 बजे के बीच में, ये जो दो टाइम होते हैं 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे, इन दोनों टाइम में, इन दोनों समय में ओनली 190 डिग्री एंगल और वन टाइम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस समय में क्या होता है, घड़ी की सुइयां केवल एक बार एक दूसरे के साथ में समकोण बनाती हैं, दो बार समकोण नहीं बनाती। कितने टाइम के बीच में, 3 से 4 और 9 से 10। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है वो है m इज इक्वल टू 2/11 t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, m इज इक्वल टू 2/11 टाइम 1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे m क्या है, मिनट है, मिनट, जैसे 3:15, 4:16, 10:22, तो जो मिनट वाला m है वो है ये m। t क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, जैसे 3:16 की हम बात करते हैं तो 3 जो है वो t1 है, फर्स्ट टाइम t1 है, मिनट है वो ये है, और एंगल जो उस वक्त दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होगा उसको यहाँ से थीटा से दिखाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, फिर मैं आपको बाद में शॉर्टकट ट्रिक और बताऊंगा जिससे आप आंसर एक सेकंड में निकाल पाएंगे, लेकिन पहले हम इस सूत्र की हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है, व्हेन द हैंड्स विल मीट बिटवीन 3 to 4, इसका मतलब यह कि 3 से 4 बजे के बीच में, 3 o'clock to 4 o'clock, 3 to 4 o'clock, 3 से 4 बजे के बीच में जो सुइयां हैं वो कब मिलेंगी, ये मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिए ये तो निश्चित सी बात है, 3 से 4 बजे के बीच में 3:00 कुछ पे बजे मिलेंगी, 3 बजे होंगे और कुछ मिनट और होंगी, मींस अपने को मिनट फाइंड आउट करना है। ये जो टाइम वन है t1, ये 3 दे दिया अपने को, थीटा उन दोनों के वो अपने को मिलेंगी, जब वो मिलेंगी तो थीटा कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए m अपने को यहां पे फाइंड आउट करना है, t1 टाइम वन कितना दे दिया 3, और थीटा जब वो मिलेंगी तो कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ये सारी वैल्यू जब इसको अपने को इसमें पुट कर देनी है, तो m इज इक्वल टू 2/11 टाइम 1 3 into 30 और प्लस माइनस 0, तो यहां से अपने को क्या मिलेगा 2/11 3 into 30 90, और प्लस माइनस 0 करने से कोई फायदा नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 180/11, जब इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा तो अपने को मिलेगा 16/4/11। मींस ये कब कितने मिनट के बाद में मिलेंगी, 16 से 4/11 मिनट के बाद में मिलेंगी, आफ्टर 16/4/11 मिनट्स। देयरफॉर द हैंड्स विल मीट, हैंड्स विल मीट एट विच टाइम, 3 o'clock, 3:16 से 4/11 3 o'clock एंड 11/4/11 मिनट्स, 16/4/11 मिनट्स के बाद में ये मिलेंगी। तो ये तो जो वो फॉर्मूला था जो हमने लॉन्ग कट से पढ़ा, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अपने को बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करना है, तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल क्या याद रखनी है कि आपको मिनट निकालनी है तो हमेशा करना है 60/11 इंटू टाइम, 60/11 इंटू टाइम 1। मान लीजिए यही क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना था, तो मिनट इज इक्वल्स टू 60/11 इंटू टाइम 1 कितना है 3, तो 6 3 18 ये आ जाएगा 180/11, तो वही सेम आ गया 180/11 16/4/11, तो ये कितनी देर बाद में मिलेंगी, तो ये शॉर्टकट तरीका है इसी को सॉल्व। अब देखिए हम मिरर इमेज और वाटर इमेज का स्टडी करते हैं। देखिए जब भी कोई आपको गिवन टाइम हो, जब आप उसको मिरर इमेज निकालना हो तो डायरेक्टली क्या करना है, 12 में से सबट्रैक्ट कर देना है, 12:00 माइनस गिवन टाइम। ये कब करना है, जब मिनट 0 गिवन हो, जब मिनट कितनी हो 0, मान लीजिए मिनट आपके पास 0:00 गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप किस में सबट्रैक्ट करेंगे, 11:60 माइनस गिवन टाइम, जो आपको दिया गया समय है वो किस में से घटा देंगे, 11:60 पे। आप देखेंगे तो ये दोनों इक्विवेलेंट कंडीशंस ही हैं, 11:60 मींस 12 बजना ही होता है। और ये कब करेंगे, जब आपको सेकंड जीरो दे रखी हो,
सेकंड कितने दे रखे हो? 0-0। लेकिन मान लीजिए आपको कुछ मिनट भी दे रखी है और कुछ सेकंड भी दे रखी है, तब आप किसमें से सेपरेट करेंगे? जो अपना गिवन टाइम है उसको करेंगे 11:59 में से 59:60। अब ये देखेंगे तीनों ही एक ही स्थितियां हैं, 12 बजने को ही 11:59, 60, 11:60 और 12 बजे बोला जाएगा। अगर ये तो कब करना है आपको, जब मान लीजिए जो आपका गिवन जो टाइम है, जो समय आपको दिया गया है वो 12 से छोटा है। मान लीजिए 12 की बजाय 24 घंटे में आंसर अपने को निकालना हो, या 24 घंटे में से 12 से बड़ा अपने को दे रखा हो, तो उस कंडीशन में इसको डबल कर दो। क्या करना है? 24 माइनस गिवन टाइम, 23:60 माइनस गिवन टाइम, 23:59:60 माइनस गिवन टाइम। ये जब सेकंड दे रखा हो, ये जब द मिनट दे रखा हो, और ये जब सिर्फ घंटे दे रखे हो। तो ऐसी जो हम वाटर इमेज निकालेंगे तो उस टाइम 18:30 में से गिवन टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मिनट 30 से छोटी है तो 18:30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो अपने को अगर मिनट्स दे रखी हैं, अगर वो मिनट्स 30 से बड़ी हैं, मीन्स जैसे 45 मिनट, 60 मिनट, 55 मिनट ऐसे दे दे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको घटाएंगे 17:90 में से। जो 17:90 और 18:30 दोनों एक ही टाइप की बातें हैं। अब देखिए इनसे रिलेवेंट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 3 o'clock। फाइंड मिरर इमेज ऑफ 3 o'clock। मान लीजिए अपने को 3 o'clock, 3 बजे का जो है ना वो दर्पण समय अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, इसमें जो है ना मिनट देखिए 0 है, तो अपने को 12 में से सेपरेट करना है। तो 12 - 3 क्या जाएगा अपने पास? 9 o'clock। ये हमारा आंसर है 9 o'clock। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3:25 का। 3:25 पे अपने को दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो अब की बार देखिए यहां पे कुछ मिनट दे रखी है, तो अब की बार 12 में सेपरेट नहीं करेंगे, किसमें से करेंगे? 11:60 में से। तो 11:60 - 3:25। अब जब अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां मिलेगा अपने को 8:35। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये कब है? जब अपने को सिर्फ क्या दे रखी है, यहां पे मिनट दे रखी है, घंटे दे रखे हैं और मिनट दे रखी है, सेकंड नहीं दे रखी। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम सेकंड का बनाते हैं, ये अपने पास क्वेश्चन है कि 3:24 और 25 सेकंड पे जो है ना घड़ी में उसकी मिरर इमेज क्या होगी, उसका प्रतिबिंब अगर हम दर्पण में देखेंगे तो वो क्या आएगा। तो अब की बात देखो किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, 11:59:60 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 3:24 और 25। तो देखिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 35 35 एंड 8। तो 8:00 उस टाइम जो है ना अपने को दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, 8:35 और 35 सेकंड। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर ये क्या कैसे गिवन था अपने को, 12 घंटे से छोटा गिवन था। अब मान लीजिए अपने को जो टाइम दे रखा है, जो समय दे रखा है वो 12 घंटे से बड़े का दे रखा है, तो हम किसमें सेपरेट करेंगे, 24 में से। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 12:25। 12:25 का मिरर इमेज अपने को फाइंड आउट करना है, तो क्या किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23:60 में से 12:25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 12:25 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, 11:35। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम वाटर इमेज के लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए अपने पास क्या है, 10:20 का और पानी में प्रतिबिंब ज्ञात करो, मीन्स फाइंड वाटर इमेज ऑफ 10:20। 10:20 का अपने को क्या करना है, वाटर इमेज फाइंड आउट करना है। तो किसमें सेपरेट करेंगे, 18:30 में से सेपरेट कर देंगे। तो 18:30 - 10:20 8:10 क्या आ गया, 8:10 अपने को दिखाई देंगे। मान लीजिए अपने को इसमें दे रखा हो 10:20 की बजाय समय कुछ और दे दे, यहां पे दे दे, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ 10:45।
10:45 का देते तो देखेंगे अब की बार हम की इसमें जो है ना अब की बार 18:30 में सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो अब की बार जो मिनट है वो 30 से बड़ी दी हुई है। जब 30 से बड़ी मिनट दी हुई हो तो मैंने आपको क्या बताया था, किसमें से सेपरेट करेंगे, 1790 में से 1790 में से सेपरेट करेंगे। तो 1790 माइनस 1045 जब इसको सेपरेट करेंगे तो अपने को मिलेगा 45 और 7, तो ये हो गया 745, ये अपना आंसर हो गया। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं डिफरेंट टाइप के। यस, देखिए इसी टाइप से हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम मान लेते ले लेते हैं कि 5:15 पर घड़ी की जो दोनों हैंड्स होते हैं ना उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 5:15। 5:15 पे जब 5:15 होंगे उस टाइम जो घंटे की सुई होती है और जो मिनट की सुई होती है, जो आवर हैंड होता है और जो मिनट हैंड होता है, उन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा। तो मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, m is equals to 2/11 t1 into 30 plus minus theta। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। देखिए हम तो अपने को यहां से क्या मिलता है, m मिनट कितनी है 15 is equals to 2/11 टाइम, फर्स्ट टाइम कितना है 5, तो 5 into 30, यहां पे ओनली माइनस थीटा लेंगे क्योंकि हम इस पे थीटा को पॉजिटिव रखेंगे, जब थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो थीटा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने को आंसर मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू 300 माइनस 165। तो ये थीटा यहां से अपने आ गया 135/2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा 67.5 डिग्री, ये अपना आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अपने को यही एंगल निकालना है लेकिन टाइम थोड़ा चेंज कर देते हैं अब की बार। लेट अस टेक द टाइम एट 10:10 o'clock। 10:10 पे जो दोनों घड़ी की सुइयां होती हैं उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। फॉर्मूला वही रहेगा, m इज इक्वल्स टू 2/11 टाइम 1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो चलो देखो यहाँ पे मिनट कितनी है 10, 2/11 टाइम 1 भी कितना है 10, तो 10 into 30, और यहां पे हम सिर्फ माइनस थीटा लेंगे क्योंकि अपने को थीटा को कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। जब 2 से थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 2 थीटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे अपने तो ये अपने पास आ जाएगा यहां पे 600 माइनस 110। तो जब थीटा को सॉल्व करेंगे तो 600 माइनस 110/2 मींस 490/2, 490/2 मींस 245 डिग्री। अब देखिए तो जब भी अपने को ये एंगल पूछा है 10:10 पे तो ये कुछ ऐसी स्थिति होगी, ऐसा ये वाला एंगल अपने को निकालना था। जब हमने 245 डिग्री एंगल मिला तो इट मींस कौन सा एंगल निकल गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल निकल गया। तो इस एंगल को इस एंगल से ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ऑलवेज 360 में से सेपरेट कर दो। तो 360 माइनस 245, तो 360 माइनस 245 अपना आंसर आ जाएगा, तो 115 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 115 डिग्री। एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और बनता है, चलिए वो भी ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, क्वेश्चन अपने को गिवन है 3 और 4 o'clock के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब की बार अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो व्हेन 30 डिग्री एंगल विल बी देयर बिटवीन 3 to 4 o'clock, 3 से 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा। फॉर्मूला अपने को देखिए वही यूटिलाइज करना है, m is equals to 2/11 ये टाइम 1 into 30 प्लस माइनस थीटा। अब की बार थीटा को प्लस माइनस थीटा दोनों में रखेंगे क्योंकि अपने पता है दो बार ऐसा एंगल बनेगा, दो बार बनेगा, तो दोनों की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। m तो अपने को फाइंड आउट करना है, मिनट निकालना है, सारी वैल्यूज पुट कर दो। 2/11 टाइम 1 कितना है इसमें 3 बजे के बाद ही बनेगा, तो टाइम 1 3 आएगा, तो 3 into 30 प्लस माइनस 30, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2/11
90 प्लस माइनस 30, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे तो यह आ जाएगा 2 अपॉन 11, 90 प्लस 30 120, 120 इंटू 2 240, तो 240 अपॉन 11, 240 अपॉन 11 को सॉल्व कर लो तो 240 अपॉन 11 आ जाएगा, ये 21 ओवर 9 अपॉन 11 मिनट, तो ये 3:21 से ही 9/11 मिनट के बाद में एक बार तो 30 डिग्री का एंगल निकालेगा, और एक बार जब हम नेगेटिव साइन लेंगे यहां से तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन 11 90 माइनस 30 60, तो 60 इंटू 2 120 अपॉन 11, और जब इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 120 अपॉन 11 को तो ये मिलेगा अपने को 10 ओवर 10 अपॉन 11, तो दूसरा टाइम क्या होगा जब इस इनके बीच में जो है 30 डिग्री का एंगल होगा वो होगा 3:10 से ही 10/11 मिनट। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम जो है कोई भी क्वेश्चन आए वाटर इमेज का, मिरर इमेज का या क्लॉक से रिलेटेड, हम उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विनोद पुनिया एंड गेट मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम इट।